हेलो दोस्तों, मैं डीजल फोर क्लिप के बारे में कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। और 3 टन का है, कुछ कुछ मतलब बताने की कोशिश करूँगा। और मैं ये सीट पर बैठ जाता हूँ, ये स्टेरिंग है और देख सकते हैं आप, ये गियर है, गियर रड इसको कहते हैं। और ये 2 रिवर है कंट्रोल वाल्व का, देख सकते हैं आप। मैं स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ। ये फोर क्लिप का ये जो है सामने का सेंटर में सिलेंडर लिफ्ट सिलेंडर है, लिफ्ट डाउन का है। ये फर्स्ट लीवर जो होता है इस तरह का, ये रिवर जो अपने तरफ खींचते हैं तो ये मास्ट जो है लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है दबा करके हमें, ये लिफ्ट होती है। फिर ये जहाँ था अपने जगह पे आ गया। फिर इसी लीवर को मैं आगे तरफ करूँगा, आगे तरफ करने के बाद मैं ये डाउन होगी, इसका काम हो गया। और दूसरा काम ये है टिल सिलेंडर जो है ये बाहर करने से बाहर जाएगी टिल, और सामने करने से अपने तरफ खींचेंगे तो सामने आएगी। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें 4 गियर है, 2 गियर फॉरवर्ड है, 2 गियर रिवर्स है। ये पूरा हिल रहा है, यानी न्यूटन है, नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो है ये तीर का निशान देख रहे होंगे, ये इससे इधर लेफ्ट सेट करके ये अपने तरफ खींचेंगे। ये फर्स्ट गियर हो गया, फिर जिधर से आया उधर ही एक बार करने पर न्यूट्रल हो गया, फिर दूसरा गियर लगाने के लिए आगे तरफ करेंगे, ये दूसरा गियर आ गया, ठीक है। फिर उसको नॉर्मल करने के लिए यानी न्यूट्रल करने के लिए फिर उसी तरह दिशा में न्यूट्रल हो गया, फिर राइट साइड जाने पर रिवर्स हो गया। ये इधर करके अपने तरफ खींचेंगे फर्स्ट गियर रिवर्स, फिर न्यूट्रल, फिर सेकंड गियर रिवर्स, ठीक है। इतना हो गया। और गाड़ी बंद में स्टीयरिंग लॉक है, देखिए ये लॉक है। और गाड़ी स्टार्ट करते ही ये स्टीयरिंग पूरा फ्री हो जाता है, पूरा हाइड्रोलिक प्रेशर स्टीयरिंग यूनिट में आ जाती है, ठीक है। ये डीजल फोरक्लिप में डीजल और गियर ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल से ये फोरक्लिप चलती है, मतलब काम ज़्यादा हाइड्रोलिक से चलती तो डीजल से है। और हाइड्रोलिक ऑयल मैक्सिमम 40 लीटर आती है, 35 से 40 लीटर, डीजल भी 35 लीटर लगभग आ जाती है, 35 से 40 लीटर। और गियर ऑयल जो होता है 3 लीटर डालते हैं हम लोग, 3 लीटर डालते हैं, ठीक है। 3 टन में फोर क्लिप जो डीजल वाला है 3 लीटर गियर ऑयल डालते हैं। और ट्रांसमिशन ऑयल जिसको बोलते हैं फ्लूड ऑयल FC किट, उसमें ऑयल जाती है 5 लीटर टोटल, पूरा एक कैन जाता है, यानी एक कैन में 5 लीटर आती है। और ब्रेक ऑयल का टैंक यहाँ पे है, सामने देख रहे हैं गियर के बगल में आगे में। वो गियर ब्रेक ऑयल का .3 डालते हैं, और हाइड्रोलिक ऑयल 68 डालते हैं, ठीक है, ग्रेड 68 होता है। और कुछ जानकारियाँ देता हूँ, इस तरह जो है ये वाटर टेम्परेचर हो गया, और ये कांटा हो गया बैटरी टेम्परेचर, और ये आवर्स मीटर हो गया, और ये फ्यूल का हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये ऑयल का हो गया, इंजन ऑयल का, ये वाला दोस्तों, ये हो गया। और अपना पैर की ओर से जो काम होती है, ये पैर की तरफ से ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ए और बी और सी। जब भी गियर देने के लिए
क्लच को पूरा प्रेस करना पड़ेगा, पूरा दबा करके गियर तभी लगेगा। अगर क्लच को नहीं दबाएंगे, गियर देंगे तो गियर नहीं लगेगा, वो खड़ 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 आवाज़ करेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे क्लच दबा करके ही ब्रेक, रनिंग में अगर गियर देने हैं स्पीड में है तो हल्का ब्रेक दाब के फिर क्लच दाब के गियर चेंज करना है। ओके दोस्तों, इतना जानकारी से किया और थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा। इसको हाई मास्ट कहते हैं, पूरा ये लिफ्ट होती है और ये टिल सिलेंडर हो गया, मतलब ये अपनी तरफ आती है मास्ट और उधर जाती है, दो टिल सिलेंडर होती है। और बस थैंक यू दोस्तों।